Greetings, Divine Family. Welcome to another exciting edition of Divine News. I'm Arjun. और मैं हूँ वेदिका. तो चलिए इस महीने स्कूल में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नजर डालते हैं. Let's begin with the most awaited Divine Fest. This is an annual inter-school competition which is hosted at DCIS, organized by our very own student council members and student volunteers. This year, we had an overwhelming participation from around 27 schools, all competing in various exciting events. The energy and the enthusiasm on the campus was truly remarkable. इस महीने हमारे ग्रेड 1 और 2 CBSE और CIE के छोटे सितारों ने जूनियर थिएटर फिएस्टा में अद्वितीय प्रदर्शन किया. बच्चों ने कई नाटक प्रस्तुत किए जिन्हें उनके माता पिता ने बहुत पसंद किया. उनके शानदार कॉस्ट्यूम्स और प्रभावशाली डायलॉग डिलीवरीज ने पात्रों को जीवंत कर दिया और सभी ने इसे भरपूर सराहा. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन. इट वॉज अ डे filled with patriotism as the students honored the sacrifices of our freedom fighters through various performances, speeches and culture programs. The spirit of independence was truly alive in every corner of our school. और हमारे देश के नायक और नायिकाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि भी मनाई. इस अवसर पर विद्यार्थियों ने उनकी कविताओं और भाषणों से प्रेरित होकर उन्हें याद किया. मूविंग ऑन टू आवर नाइट कैंप, ग्रेड 7 एंड 8 स्टूडेंट्स एंजॉयड एन एक्शन पैक्ड नाइट कैंप एट DCIS. द इवेंट्स फीचर्ड थ्रिलिंग साइंस एंड मैथ्स एक्टिविटीज, क्राफ्ट सेशंस एंड ग्रेड 7 स्टूडेंट्स अटेंडेड एन आई ओपनिंग अर्थक्वेक टॉक बाय डॉक्टर निसर्ग मकवाना. द इवनिंग एंडेड विद अ डॉक्यूमेंट्री एंड अ फन डीजे सेशन हेल्पिंग स्टूडेंट्स बिल्ड टीम वर्क एंड कॉन्फिडेंस. In addition, our grade 4 students embarked on a geohackers adventure. They explored landmarks and learned fascinating geographical facts about India, culminating in a screening of our planet. Grade 5 students enjoyed the night camp, Fun Task Fit, where they learned making seismograph, played traditional games, and enjoyed other exciting activities. हमारे grade 2 CBSE और grade 1 और 2 CIE के छात्रों के लिए आयोजित Fun Day Camp और Day Camp शानदार रहे. बच्चों ने खेल, क्राफ्ट और स्वादिष्ट खाने का आनंद लिया, साथ ही नई चीज़ें भी सीखी. यह दिन हंसी खुशी और दोस्ती से भरा था. हमारी शानदार टीम और शिक्षकों का धन्यवाद जिन्होंने इस दिन को अविस्मरणीय बना दिया. हमारे सीनियर केजी के छात्रों ने भी फन डे कैंप का लुत्फ़ उठाया जिसमें उनको कई सारी एक्टिविटीज़ के साथ नई चीज़ें सीखने का अवसर मिला. इस बार CCA में एक इंटर हाउस पोम स्लैम कॉम्पिटिशन और काव्य अभिव्यक्ति का आयोजन किया गया जहां कक्षा 3 से 12 के छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. हमारे DCIS के बाल कवियों ने एक से बढ़कर एक कविताएं प्रस्तुत करी जिससे अन्य छात्रों को कविताएं बोलने और लिखने की प्रेरणा मिली. DCIS proudly hosted the 7th edition of Divine Model United Nations, DMUN, on August 24th and 25th. Our students shone in their roles, enhancing their skills in public speaking and teamwork. The event was a grand success, showcasing the dedication and excellence of our students. और अब बात करते हैं जन्माष्टमी समारोह की. हमारे छात्रों ने भगवान कृष्ण के जीवन को रंगारंग प्रस्तुतियों के माध्यम से जीवंत कर दिया. इस अवसर पर एक बहुत ही रोचक इंटर हाउस मटकी फोड़ प्रतियोगिता भी आयोजित की गई जो सभी के लिए बेहद मज़ेदार और उत्साहपूर्ण रही. छात्रों की ऊर्जा और उत्साह से इन त्योहारों को खास बना दिया. As we wrap up this news bulletin, let us celebrate the various achievements of our Divine Knights. Students from DCIS participated in numerous events and sports competitions across the city. Some have represented the district at state level, while others have won various cultural and literary events. Let us have a look at them.
The Interdivine Fest held at Mesana was yet another platform for our students to excel, bringing back several awards and making our school proud by bagging the overall runner position. अंत में DCIS गर्व के साथ बताता है कि हमारे स्कूल कैप्टन माधवेंद्र सिंह राव इंदौर डेमोक्रेटिक समिति में मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर बने। इस समिति में 1000 से भी ज़्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए। हम अपने छात्रों की इस महान उपलब्धि का जश्न मनाते हैं। With that, we have come to an end of this month's Divine News. As the students prepare for the upcoming term 1 examination, we also look forward for the exciting events like Teachers Day and Navratri preparation. So until then, stay tuned for more DCIS updates. तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।